गांव में हमने कुछ घरों को आशीर्वाद सदन घोषित करने का फैसला किया है। बस वही घोषणाएं करनी है। तो बहन जी, आपने घर चुन लिए, पर ये चुनाव हुआ कैसे, जरा ये भी तो पता चलना चाहिए हमें पहले। हाँ पंजी, चुनाव हो गया है, और ये चुनाव कैसे हुआ है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। हमें गांव में कुछ ही घर ऐसे मिले जो सभी बातों पे खरे उतरे हैं, और उनमें से पहला घर है वो मेरा ही होगा। देवा भैया, गांव में जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो मुझे तो पहले ही पता होता है कि मैं। आनंद भैया, पहले बहन जी की बात सुन ले। हाँ, क्यों नहीं, कहिए बहन जी। और हमारे गांव का पहला आशीर्वाद सदन है। हमारी सरोज का घर। अब इसके घर में कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो बाकियों के घर में नहीं जड़े बहन जी? हीरे मोती ही तो हैं भाभी। सरोज ने अपने बच्चों को सही समय पर सही टीके का आशीर्वाद जो दिया है, और उनका टीकाकरण कार्ड भी संभाल के रखा है, इसलिए ये आशीर्वाद सदन की तख्ती सरोज के घर पे लगाई जाएगी। यही सरपंच जी ने तय किया है, और पंची यही कारण है आशीर्वाद सदन को चुनने का। मुबारक हो सरोज, बहुत अच्छी तरह तुमने ये बात याद रखी। अब सबको बताओ कि तुमने ये बात कैसे याद रखी, जबकि हम सब तो भूल ही जाते हैं। आइए मैं आप सबको बताती हूँ। नर्स बहन जी ने बताया था कि पहले साल में बच्चों को 4 बार टीके लगते हैं। तो ये देखिए सरपंच जी, मैंने तो अपने घर की दीवार पे ही एक चक्र बना रखा है जिसमें 4 खाने हैं, 1, 2, 3, 4। मैं जब भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाती हूँ तो 1 खाने को रंग से भर देती हूँ, और बाकी के जो खाली खाने रह जाते हैं उन्हें देख के पता चल जाता है कि अब मेरे बच्चों को कितने टीके लगने बाकी हैं। और कौन सा टीका बच्चों को लगना है वो तो टीकाकरण कार्ड से हमारी बहन जिया बता देती हैं। शाबाश सरोज, ये तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरकीब है। बहन जी, क्या मेरे घर को भी ये आशीर्वाद सदन वाली तख्ती मिल सकती है? क्यों नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि गांव का हर घर आशीर्वाद सदन हो। क्या बात है भैया। बस इसके लिए तुम्हें अपने बच्चे का टीकाकरण चक्र पूरा करना होगा, और अगर किसी कारण से वो छूट चुका हो तो तुम गाँव में होने वाले आशीर्वाद मेला में आकर उसे पूरा करवा लेना। आशीर्वाद मेला, ये कब लग रहा है? कहाँ लगेगा ये मेला, मैं बताती हूँ। अरे ये मंगत मामा क्या अपनी मंगनी कराने रह गया? आ जाएगा। आप तो घी के दिए जला दीजिए, उस भिखारी को भीग दी हमने, और अब वो हमें इंतजार का कटोरा पकड़ा रहा है। नहीं ओम जी, इस मंगत मामा के पर कतर दो। माया, तुम बेकार परेशान हो रही हो, उसे तो जरूरी काम आ गया हो। आ जाए। बेकाम को काम, बड़े घर की छाया को भी अभी तक आपने छुआ नहीं है ओम जी, लेकिन मैं उस घर की एक एक ईंट पहचानती हूं। ये मंगत मामा फिर से कोई खेल खेलने लगा है हमसे। अब वो क्या खेल खेलेगा? मैं खेलों का खिलाड़ी है हमारा मंगत मामा। जरा सोचिए ओम जी, बड़े घर की तरफ मुंह कर सोना भी बंद कर दिया मंगत मामा ने, तो फिर उसे हमारे पास आने में इतनी देर क्यों लग रही? पर माया, रहता तो वो अभी बड़े घर में ही है ना,
हाँ, दीमक बनकर बड़े घर को धीरे धीरे चाटने का काम हमने ही दिया था मामा को, पर लगता है दीमक अपना काम भूल गए। अब हमें भी अपना खेल बदलना होगा। आशीर्वाद मेले में अब आशीर्वाद हमारे हाथ से नहीं, किसी दूसरे के हाथ से होना चाहिए। मतलब? अब मतलब लिखकर समझाऊं ऐसी मेरी आदत नहीं। मैं खेल जीतने के लिए खेलती हूं, सिर्फ जीतने के लिए। और ये बात आपको भी याद रहे। क्या हुआ राजू? हम बड़े घर गए थे बाबा, टिंकू के पास, पर वो तो बहुत बीमार है। सुना है कि उसकी हालत भी बहुत खराब है और अब वो अस्पताल में है बाबा। अस्पताल में? क्या हुआ टिंकू को? खसरा हुआ है टिंकू को। जब वो मेरे साथ कंचे खेल रहा था तब भी उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसे बार बार खांसी भी हो रही थी। कहीं तभी तो उसे खसरा नहीं हो गया मीना? पता नहीं राजू, लेकिन बहन जी बता रही थी कि खसरा एक से दूसरे को होता तो है। फिर राजू को क्यों नहीं हुआ? खेल तो ये भी रहा था। क्योंकि राजू को खसरे का टीका लगा हुआ है और बहन जी कहती है ना कि टीका ही खसरे का बचाव है, हाँ? पर बाबा टिंकू ठीक तो हो जाएगा ना? उसे तो खसरे का टीका भी नहीं लगा। ओ माय बेबी, ओ लला। कांता, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं बुआ जी, मेरा टिंकू फिर से काम। जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या हो गया टिंकू को? क्या हुआ? नर्स, नर्स, बेबी। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स डॉक्टर को बुला के लाओ। प्लीज आप अब बाहर जाइए। प्लीज। ओके ओके, हमारा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज, ये प्लीज, प्लीज, प्लीज। आप खुश हैं तो हमारे दिल को आराम है। अब बस आप ही का ख्याल तो सुबह शाम है। जिए तो ऐसे कि मिले सबको खुशी। दोस्तों, क्योंकि जीना इसी का नाम है,
हमें आपसे यूं ही प्यार रहेगा और आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। बेवकूफ नहीं है ये, काम की औरत है। ये काम की? हाँ, समझ ले अभी की चाबी मिल गई, मगर ताला तुझे ही खोलना है।